नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बिहार चैनल पर। दोस्तों अगर मालिक के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये सब जानकारी जरूर ले लेना है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर ये जानकारी ले लेते हैं। तो क्या जानकारी लेना है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है पौधा लगाने की विधि, ये जो है आप जरूर जान लीजिएगा दोस्तों। आपको जो इंटरव्यू में पूछ सकता है, पौधा गड्ढे में उतनी गहराई में लगाना चाहिए जितनी गहराई तक वह नर्सरी या गमले में या पॉलीथीन की थैली में था। अधिक गहराई में लगाने से तने को हानि पहुंचती है और कम गहराई में लगाने से जड़ें मिट्टी के बाहर जाती है जिससे उनको क्षति नहीं पहुंचता है। तो ये सब जानकारी जरूर ले लेना है दोस्तों। यहाँ पर आपको है गमले के पौधे को दे जरूरी धूप। दोस्तों गमले के पौधे में धूप देना जरूरी होता है। जब भी आप कोई पौधा को खरीदते हैं तो इसे जानना बहुत जरूरी है कि उस पौधे को कितनी देर धूप में रखना जरूरी है। इसके अलावा यदि आपके गमले में लगे पौधे अधिक छाया में रहते हैं तो उन्हें रोजाना कुछ देर तक धूप में रखना आवश्यक है। तो ये सब जान लेना है दोस्तों। और ये यहाँ पर आपको है मेडिसिनल पौधे, तो आपका जो है यहाँ पर है नीम, तुलसी, एलोवेरा जो दवा के रूप में प्रयोग होता है, तो गिलाव, लौंग, पुदीना आदि ऐसे पौधे जो है सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है और इन्हें छोटी मोटी बीमारियों में यूज कर सकते हैं। तो ये सब जरूरी है जानना। और यहाँ पर है आपका मच्छर भगाने वाला पौधे कौन सा है, तो कई पौधे जो है ऐसे होते हैं जो मच्छर भगाने में मदद करते हैं और हवा को भी साफ करते हैं। ऐसे पौधे को खासकर गेंदा, लोमन, वाम, तुलसी, नीम, लेवेंडर और जो है रोजमेरी, हार्समीट और सिट्रोनेला, ये सब जो है पौधा है। और यहाँ पर आपको खाद गमले के पौधे में दे उचित खाद, कौन सा खाद का उपयोग कीजिएगा। तो ऐसे तो हर पौधे को बढ़ाने के लिए खाद की ज़रूरत होती है, मगर गमले में लगे पौधे को अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होती है। गमले में गले हर पौधे को अलग अलग मात्रा में खाद देना जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी आपको किसी माली से सलाह लेना चाहिए खाद क्या क्या देना चाहिए। तो ये सब जानकारी ले लेना दोस्तों, किस जो है कौन सा खाद से जो है कोई पौधा जो जल्दी बढ़े, ये सब जो है जानकारी ले। और यहाँ पर आपको है गमले के पौधे में कटिंग करें, क्यों कटिंग करें। तो दोस्तों गमले के में लगे पौधे को कटिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कटिंग करने से गमले के लगे पौधे बढ़ते हैं, पौधे की कटिंग करने के लिए उनकी उचित ग्रोथ होने दे। गमले में गले छोटे पौधे को कटिंग नहीं करनी चाहिए, इससे इससे पौधा सड़ जाता है। छोटे पौधे को जो है कटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर है गमले में पौधे को दे जरूरी धूप, तो ये हम बताएं दोस्तों। और यहाँ पर जो एक और है, पौधा लगाने के पश्चात उसके आसपास जो है मिट्टी अच्छी तरह से दाब देने चाहिए जिससे सिंचाई करने से में पौधा टेढ़ा न हो जाए। तो ये सब जो है वहाँ पर मिट्टी जो है दाब देना चाहिए जिससे कि वहाँ पर जो है सिंचाई करने में टेढ़ा नहीं हो। और आप जड़ यहाँ पर जो है लगाने में जो पौधा लगाते हैं तो जोड़ की दिशा जो है जड़ का दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। ऐसे करने से तेज हवा से जोड़ टूटता नहीं है, तो ये जानकारी भी बहुत अच्छी है। और एक यहाँ पर है पेड़ के साथ खूंटा लगाएं। अगर आपको पेड़ अभी बहुत ही उसके बहुत यहाँ पर है दोस्तों, अगर आपका पेड़ अभी पौधा है तो उसको पहले साल में बढ़ने के यहाँ पर और लिखा है बढ़ने के लिए एक खूंटे की सहारा दे। इससे आपको पौधा जो है यहाँ पर है हवा के यहाँ पर लिखा है चलने से और जो दोस्त तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर लिखा है चलने से उड़ेगा नहीं और जो है जड़ें भी अच्छे से जम जाएगी। और ध्यान रखें कि खूंटे को हल्के से तने से बांधे, पेड़ की छाल के अंदर नोक खोदे और कसके नो बांधे, करीबन एक साल जो है यहाँ पर जो आपकी जड़ें सही हो जाएगा। तो ये सब जानकारी ले लेना दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना ये सब। यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर लिखे हैं हम दोस्तों, यहाँ पर PA होगा यू। तो यहाँ पर जो है कोई पौधा अगर जो है मर रहा है तो आप उसे किस तरह से जो है ठीक कर सकते हैं, किस तरह से आप बचा सकते हैं। तो ये जानकारी आप ले लेना है दोस्तों। आप जो है गूगल पर सर्च करके यहाँ पर किस तरह से आप बचा सकते हैं, तो ये सब पूछ सकता है मालिक को, मालिक के जो आप जो है दीजिएगा इंटरव्यू। तो और ये एक और सवाल है दोस्तों, किसी भी पौधा को तेजी से जो बढ़ने की ग्रोथ करने के लिए किस चीज़ का यूज
करना चाहिए? तो ये भी सवाल को बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये दोनों सवाल भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों।